मैंने कभी ये दुनिया इतनी स्वार्थी और इतनी मतलबी तो नहीं बनाई थी। आजकल लोगों में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिश्ते जो हैं वो पैसों से तोलते हैं। जिस किसी के पास रिश्ते हैं, दौलत है, उनके पास रिश्ते हैं, उनके पास सब जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई थोड़ा सा भी मजबूर है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, उसकी से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। मुझे समझ नहीं आता है कि मैंने ऐसी दुनिया ना तो कभी सोची थी और ना ही बनाई थी। मेरे बच्चे इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं और इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिश्ते मतलब के लिए नहीं रखते हैं, जो रिश्ते प्यार के लिए रखते हैं और जो अपनेपन के लिए रखते हैं। उनमें से कुछ खास बच्चे मेरे, जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी और ऐसी स्वार्थी दुनिया में कुछ अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर उन खास लोगों में तुम उनमें से एक हो तो मैं कहता हूँ कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, कि तुमने एक ऐसी आत्मा पाई है जो बहुत शुद्ध है, बहुत प्यारी सी है, जिसमें छल कपट नहीं है। तुम्हें पता है, रही बात पैसों की, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है, धन दौलत ये चीज़ एक ऐसी है जो आनी जानी है और आती जाती रहेगी। ये कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक वक्त मैं ऐसा ज़रूर लेकर आऊँगा जब लोग तुम्हारी पहचान बताएंगे, जब लोग खुद चलकर तुमसे रिश्ता रखना चाहेंगे, खुद चलकर तुम्हें बताएंगे कि वो तुम्हारे क्या लगते हैं। आज अगर कोई नहीं बात करता है ना, या नहीं रिश्ता रखना चाहता, उनको उनकी दुनिया में खुश रहने दो, वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अगर मुझ पर यकीन है, जो कि तुम्हें है, तो बस तुम शांत रहो, हमेशा शांत रहो, और मेरी तरफ से हमेशा खुश रहो, क्योंकि ये जो बाबा है ना, तुम्हारा तुम्हारा बाबा, ये हमेशा तुम्हारे साथ है।